Hi guys, this is Priya Bajpayee and you are watching me on Prayagraj News. Please watch my film Lost on Z5 on 16 Feb. Media Terminal presents Bollywood Vibes with Alisha. मैं हूँ अलीशा चंद्राकर और आज मेरे साथ है बहुत ही gorgeous, talented Priya Bajpayee. इनको आपने बहुत सारी Bollywood movies, South movies, advertisements, modeling, हर चीज में आपको आपने इनको देखा ही होगा. So Priya, welcome. Thank you for your time. Thank you so much for having me. So, Priya आज हमारे साथ इसलिए है क्योंकि इनकी मूवी आ रही है Z5 पे लॉस्ट, जिसमें यामी गौतम भी है और प्रिया वाजपेयी भी है. तो आज का इंटरव्यू इसी पे बेस है. हम बात करने वाले हैं लॉस्ट मूवी के बारे में जो 16 सेप को रिलीज होने वाली है. सो प्रिया, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि एक ऐसी चीज जो आपने लॉस्ट कर दी है और आप उसे वापस पाना चाहती हो. नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है. जो खो गई वो चली गई और अगर उसे मिलना होता है तो मुझे जनरली मिली जाएगी, पर ऐसा नहीं है. जो गया वो गया. ओके, ठीक है. सो आई वांट टू नो कि आपकी ये जो मूवी है लॉस्ट, ये Z5 पर रिलीज हो रही है, सो आपका ऑलराउंडर एक्सपीरियंस कैसा था इस मूवी में काम करने का? इसके डायरेक्टर लेजेंडरी जो पिंक को भी डायरेक्ट कर चुके हैं, सो आपका एक्सपीरियंस कैसा था सेट पर काम करने का और यामी गौतम के साथ काम करने का? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? माय एक्सपीरियंस वाज विद द डायरेक्टर से अगर मैं शुरू करूं, अनिरुद्ध जी से, आई रिमेम्बर जब मैंने पिंक देखी थी तो मैंने बड़ी अंदर से इच्छा हुई थी कि मैं इनके साथ कभी मुझे काम करने का एक मौका मिले. बिकॉज आई थिंक आफ्टर पिंक कोई ऐसा एक्टर नहीं होगा जो इनके साथ काम ना करना चाहे. तो जब मुझे इस फिल्म का फोन आया, इस फिल्म के लिए कॉल आया, एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, समथिंग गुड इज हैपनिंग. और हमारे थोड़े बहुत ऐसे वर्कशॉप हुए, दो तीन दिन के वर्कशॉप हुए, एंड जब हम लोग सेट पे शूट करने पहुंचे तो दिस फिल्म इज, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो बहुत स्मूथ होती हैं. आप जब उन पे काम करते हो आपको पता नहीं चलता आपने कब काम किया, बस हंसी खुशी पार्टी वाला माहौल हो जाता है कभी कभी. बिकॉज साउथ में आई है दिस एक्सपीरियंस कि पूरी फिल्म ऐसे शूट हो गई, ऐसा लग रहा है पार्टी कर रहे हो आप. बट ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट था एंड बहुत ही आई वुड से वेरी वेरी प्रोफेशनल एंड सीरियस माहौल था सेट पे, अच्छा वाला, द गुड वन. ऐसे नहीं कि सब मुंह बनाए घूम रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट. लेकिन हाँ, अगर आपको एज एन एक्टर बहुत कुछ सीखने को सेट पे मुझे मिला. आई वॉन्ट टू नो कि जैसे सेट पर दो एक्ट्रेस एक साथ, यामी गौतम एंड यू, तो क्या कभी ऐसा कुछ हुआ कि लाइक आप और यू नो जहाँ दो लोग एक साथ रहते हैं कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर कह सकते हैं या ऐसा थोड़ा कॉम्पिटिशन टाइप हो जाता है, तो आपको ऐसा कभी फील हुआ या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? नहीं, बिकॉज मेरे और यामी के इतना कोई लंबा सीक्वेंस नहीं है शूट करने का. हमने मुश्किल से 2 से 3 दिन ही शूट किया है. और जनरली जब आप फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा कि वो सीन भी ऐसे हैं कि जहाँ चाहिए ही नहीं कि कोई यारी दोस्ती हो भी. Okay. है ना. और सी शी इज अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर, लाइक हैज डन सो मेनी फिल्म्स एंड ऑल, है ना. सेम विद मी ऑल्सो. तो वो जो सेट पे जो कोल्ड वॉर होता है, मुझे लगता है हम उसे क्रॉस कर चुके हैं, वी आर अबव दैट नाउ. या और रही बात कॉम्पिटिशन की, आई ऑलवेज बिलीव इन अ हेल्दी गुड कॉम्पिटिशन. आपके अंदर जब तक कॉम्पिटिशन नहीं होगा, यू कैन नॉट ग्रो इन लाइफ. टोटली अग्री विथ यू. सो प्रिया, मुझे ये जानना है कि आप बॉलीवुड बैकग्राउंड से नहीं हो, लाइक आपकी फैमिली इसके अंदर नहीं है और आप एक न्यू हो इस इंडस्ट्री में कंपेरेटिवली के जिनका पहले से बैकग्राउंड होता है फैमिली, तो उसमें आपका क्या कहना है कि आपको क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए, या इट वॉज क्वाइट स्मूथ? So this is my 20th film. I have done this is my third film in Hindi. बाकी की सारी फिल्में मैंने साउथ में सारे लैंग्वेज में की हैं. एंड बाय गॉड ग्रेस इन साउथ आई हैव वर्क्ड विद सम सुपर स्टार्स, आई हैड सम सुपर हिट फिल्म्स देयर. सो मेरी स्ट्रगल जो थी दो जगह रही है. पहली मैंने स्ट्रगल की टू गेट अ ब्रेक जो मुझे साउथ में मिला, एंड माई फर्स्ट फिल्म वॉज अ रीमेक ऑफ घोसला का घोसला विद प्रियदर्शन सर. He was the producer and जिन्होंने अभी तलाई भी बनाई है कंगना के साथ, he was the director. He was my first director there. And that film ran for more than 100 days. So it was super hit film. तो मेरा जो साउथ का स्ट्रगल था, that was just for one film. Because once you give a super hit film, then you don't need to struggle. उसके बाद मैंने कभी साउथ में ऑडिशन ही नहीं दिए. बैक टू बैक मुझे फिल्में मिलती चली गई. एंड आई हैव वर्क इन रजनीकांत सर प्रोडक्शन हाउस फिल्म कॉल्ड गोवा, एंड देन आई हैव वर्क विद अजीत सर ऑल्सो हु वॉज इन इंग्लिश. सो इट वॉज आई हैड अ गुड रन इन साउथ. फिर मुझे लगा कि नाउ आई वॉन्ट टू डू हिंदी फिल्म बिकॉज आई एम फ्रॉम यूपी, यूपी बेल्ट. माई फैमिली दे ओनली स्पीक हिंदी. आई वॉन्ट माई फैमिली टू वॉच माई वर्क. नहीं तो मेरी मम्मी का हमेशा एक डायलॉग होता है कि जंगल में नाचा मैं, तो किसने देखा. तो मुझे वो बोर उनके घर में नचाना था समहाउ, उसके लिए मुझे हिंदी करनी पड़ेगी. एंड देन आई गॉट लाल रंग. लाल रंग मुझे मिली. फिर उसके बाद मैंने मिर्जा जूलियट मुझे मिली. एंड देन फिर मुझे लगा कि ना थोड़ा सा मुझे फिर से ब्रेक लेना चाहिए बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क
द डायरेक्टर्स लाइक अनिरुद्ध सर एंड ऑल, कुछ ऐसे आपकी हमेशा प्लानिंग होती है, ऑलवेज वॉन्ट की जो नेक्स्ट है वो पहले से बेटर हो, एंड देन दिस लॉस्ट हैपन. तो स्ट्रगल हमेशा रहा है. आई ऑलवेज बिलीव इन की ऐसा दिन किसी की लाइफ में कभी नहीं आता है जो ये कह दे कि अब स्ट्रगल नहीं है. आपके स्ट्रगल के लेवल चेंज होते हैं, बट टिल द टाइम यू आर अलाइव स्ट्रगल गोना बी. टोटली अग्री, बहुत अच्छी बात कही आप. नाउ आई वांट टू नो, जैसे आपने बताया कि आपने साउथ में भी काफी काम किया है और अब आप यहाँ पर भी काफी काम कर रही है, तो अगर हम साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री को थोड़ा कंपेयर करें तो कौन सी इंडस्ट्री आपको ज्यादा स्मूथ लगी, आप कह सकते हैं ज्यादा वेलकमिंग लगी, या दोनों सेम है? आई थिंक इंडस्ट्रीज तो हमेशा सेम होती है, डिपेंड कि लोग कैसे हैं. कई बार होता है कि हो सकता है अगर मैं जैसे आई एम हिंदी स्पीकिंग पर्सन, हो सकता है कि मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे मिल जाए जो मुझे अनकंफर्टेबल कर दें एंड मुझे साउथ में कंफर्टेबल कर दें. तो इट्स नॉट अबाउट द इंडस्ट्रीज, अबाउट द पीपल, और लोग तो आपको कहीं भी कैसे भी मिल सकते हैं. तो हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे जिसका नाम है क्रेजी क्वेश्चन. सो फर्स्ट, एक ऐसी चीज जो आप लॉस्ट करना चाहते हो. अगर बॉलीवुड में आपको अपना दिल किसी पर लॉस्ट करना है तो वो कौन हो? बहुत सारे लोग हैं. एक नाम दे दो. अरे ऐसे किसी दे दो मैं एक नाम, ऐसे सवाल मत करो प्लीज. अभी फिल्म रिलीज होने हुए हैं. ओके, कभी कोई ऐसी चीज जो आपने घुमा दी हो, लॉस्ट कर दी और की मम्मी से बहुत डांट पड़ी हो? हाँ, मेरी मम्मी ने एक बार मुझे ऐसे बहुत ही सुंदर से गोल्ड के स्टड दिए थे एंड वो मुझसे खो गए, आज तक नहीं मिले. बहुत सुना है मुझे. ओके, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट यू हैव एवर लॉस्ट. नथिंग. आई कैन नॉट नो, आई एम सो प्रोटेक्टिव एंड पजेसिव अबाउट माय थिंग्स. मतलब मैं खुद खो जाऊं चले गया, मैं चीजें नहीं खोनी चाहिए. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. सो दिस और दैट लॉस्ट वर्जन. ओके, यू हैव टू चूज वन. सो विल यू प्रेफर लॉस्ट योर कीज और लॉस्ट सम मनी? मनी. मनी. आई कांट. नो, आई कांट एवर लूज. सो लूज योर आईसाइट और लूज योर ईयर. बहुत सेंसिबल फिल्म है, बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है, और of course it's coming from Anirudh sir, but gonna be really special. So I want people to watch it on 16th on Z5 and write it to us. Aapko pata hai aajkal social media pe har koi sare comments padta hai, so we like me and my team, Lost team is actually waiting to read all the reviews and all comments of yours. Okay, that's cool. Thank you so much Priya for your time and we loved it. Bahut acha interview mujhe diya aapne, so short, crisp aur entertaining. Thank you so much for your time. Thanks. So viewers, please do watch Lost Film on Z5 on 16th Feb. Bhulna mat, channel ko subscribe, like aur share kar do, aur is interview ko zyada se zyada share karo. Thank you so much. Hi guys, this is Priya Bajpayee and you are watching me on Pragraj News. Please watch my film Lost on Z5 on 16th Feb.